Bring me that! What was the name of my enemy? Mighty Thor ले रहे हैं acting से break. जी हाँ, recently पता चला है कि actor Chris Hemsworth को Alzheimer's disease का high risk है. इसका कारण है उनके genetics. Shoot के sets में अपने genetic tests कराने के दौरान actor Chris Hemsworth को ये पता चला कि उनके APOE4 जीन से Alzheimer's disease का risk बढ़ता है. अब क्रिस हेम्सवर्थ टाइम ऑफ ले रहे हैं ताकि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके. इस स्टोरी को आप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. Alzheimer's एक ऐसी डिजीज होती है जहां पे आपका ब्रेन श्रिंक होता है और आपके ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं. ये आपकी थिंकिंग, बिहेवियरल और सोशल स्किल्स को अफेक्ट करता है. इससे भूलने की बीमारी कहते हैं. ये डिजीज ओवर 65 ईयर्स की एज में अकर होती है. अब APOE जीन्स क्या है? क्या है ना कि कुछ जीन्स ऐसे रहते हैं जो Alzheimer's डिजीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. जीन्स आपके बॉडी के सेल का इंफॉर्मेशन यूनिट है जो आपके बॉडी के हर सेल के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है. ये आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, जैसे कि आईज और हेयर कलर. डिजीज भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है. तो अगर Alzheimer's डिजीज की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन जीन इससे एसोसिएटेड रहता है उसे एपोलाइपोप्रोटीन ई यानी कि APOE कहते हैं. अब इसमें APOE4 इंक्रीज करता है द रिस्क ऑफ Alzheimer's एट एन अर्ली एज, बट ये ट्रीट भी हो सकता है व्हेन आइडेंटिफाइड एट एन अर्ली स्टेज. अकॉर्डिंग टू सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, Alzheimer's प्रिवेंट हो सकता है अगर आप फिटनेस में ध्यान दें, स्मोकिंग क्विट करें, अल्कोहल कंजम्पशन लिमिट में रखें, वेट मैनेज करें और अपना ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर चेक में रखें. तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं.